नमस्कार, मैं हूं शिवम यादव। आज तीन राज्यों में चुनाव की सरगर्मी है। पहले बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। 84 नगर निकायों के लिए रविवार को वोटिंग हुई थी और उसकी मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। 1148 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा और 11 बजे के बाद रुझान आने लगेंगे। मतगणना सभी निकायों में 822 टेबल पर हो रही है। ऊधम सिंह नगर जिले में सबसे ज़्यादा 226, तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम 15 टेबल लगाई गई हैं। उम्मीद है कि दोपहर बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 72 विधानसभा सीटों पर करीब 1100 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 72 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे 46 सीटों पर मैदान में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है और इस मतदान में लगभग 2100 केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। कश्मीर डिवीज़न में 828 मतदान केंद्र और जम्मू डिवीज़न में लगभग 1400 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 601 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। चुनाव के दूसरे चरण में सरपंच की 281 सीटों पर, पंच की 1286 सीटों पर और 4014 उम्मीदवार इसमें मैदान में हैं। 90 सरपंच और 1069 पंच पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। Thank you.